हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फूडिफाई दी ऑफिशियल में। मैं पूनम आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ कश्मीरी राजमा की रेसिपी। राजमा तो हर किसी को पसंद होता ही है और यह हर किचन की जान होती है। तो आज हम बनाएंगे कश्मीरी राजमा को एक नए और आसान तरीके से। लेकिन पहले जान लेते हैं कि कश्मीरी राजमा के बारे में। इसके दाने थोड़े से छोटे होते हैं और उसका कलर मैरून टू रेड होता है। और इस राजमा को भदेरवा राजमा भी कहते हैं क्योंकि ये जम्मू के भदेरवा शहर से आता है। इस राजमा के बारे में आगे और भी जानेंगे बातें, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं इस कश्मीरी राजमा को आसान लेकिन नए तरीकों से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ हमने कश्मीरी राजमा 500 ग्राम यानी आधा केजी लिया है, जिसे अच्छे से 2 से 3 बार धोकर इसे पूरी रात या 12 घंटे के लिए भिगो दिया है। 12 घंटा हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि सभी राजमा साइज में फूल के बड़े हो चुके हैं। अब इन फूले राजमा को उबालेंगे, जिसके लिए लिया है हमने कुकर, और इसमें सभी फूले राजमा को डाल देंगे और इसमें पानी उतना देंगे जिससे कि सभी राजमा पूरी तरह से डूब जाए, लगभग 1/4 के बराबर। और इसी में डाल देंगे 1 टुकड़ा दालचीनी के और 2 तेजपत्ता। अब कुकर को बंद करके इसे पका लेंगे। यहाँ मैंने पूरा 2 सीटी लगने दिया है और जब तीसरा सीटी देने वाला था तो गैस को बंद कर दिया। आप अपने अनुसार राजमा को पका लीजिएगा। जब तक कुकर ठंडी होती है तब तक हम बाकी सभी की तैयारी कर लेते हैं। राजमा की ग्रेवी को बनाने के लिए कढ़ाई में तेल ले लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 जायपत्री, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सौंफ। जब राजमा को कश्मीरी अंदाज में बनाते हैं तो इसमें सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी को तेल में अच्छे से भून लेना है, जिनसे कि इन सभी का फ्लेवर तेल में अब पूरी तरह से आ जाए। इन सभी के अच्छे से भून जाने के बाद इसमें डालेंगे 3 प्याज, जिसको लंबाई में काट लिया है। प्याज को सिर्फ हल्का पकने तक ही भूनना है। जब प्याज भूनते भूनते थोड़ा सा पकने पे नरम हो जाए तो डाल देंगे 10 से 12 कलियां लहसुन के और अदरक के कुछ टुकड़ों को, और इसे भी प्याज के साथ भूनकर पका लेना है। आप हमें YouTube, Facebook, Instagram के साथ साथ सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब इन सबको भूनते भूनते 2 से 4 मिनट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 3 से 5 टमाटर, इसे भी हमने लंबाई में काटा है, और यहीं पर टमाटर के साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक को अभी डालने से टमाटर जल्दी पक जाएंगे, इसलिए अगर आपको किसी भी सब्जी में टमाटर को जल्दी पकाना है तो टमाटर के साथ ही नमक डाल दें, जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाएंगे। 1 से 2 मिनट तक चलाते रहने से टमाटर पूरी तरह से पक गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ हमने 2 हरी मिर्च को लंबाई में काट के डाला है। आप चाहें तो इसे प्याज के साथ ही डालकर भून सकते हैं। मिर्च को डालने के बाद इसे 2 से 4 बार चला लेंगे और गैस को कर देंगे बंद, और इन सभी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अगर इसे जल्दी ठंडा करना है तो इसे हम फैन के नीचे रख देंगे, क्योंकि इसे हम मिक्सी में पीस के स्मूथली पेस्ट बनाएंगे। इधर अब हमारी कुकर भी ठंडी हो चुकी है, तो देख लेते हैं कि राजमा परफेक्ट पका है कि नहीं। यहाँ एक राजमा के दाने को दबा कर देखते हैं और यहाँ ये बहुत ही अच्छे से राजमा पक चुके हैं। यहाँ पर मैंने भुने हुए प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और बाकी सबको मिक्सी में स्मूथली पीस कर पेस्ट बना लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब कढ़ाई में तेल ले लिया है। यहाँ मैंने सरसों तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे वो पेस्ट जिसे हमने पीस के रखा था।
अब इन पीसे हुए मसाले को मध्यम आंच पे भूनेंगे, लेकिन इसे ज्यादा अब नहीं भूनेंगे क्योंकि इन सभी को हमने पहले ही भून लिया था। जब इसे 4 से 5 बार चलाकर भून लेंगे तब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला। इन सभी को डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये सूखे मसाले अच्छे से भून जाए। अब सूखे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और नमक डालने के बाद इसे 2 से 3 बार चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच के लगभग दही और आधी कटोरी मलाई। इन दोनों को डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि दही और मलाई स्मूथली अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने घर के बने मलाई का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मार्केट से लाए हुए क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सभी मसाले, दही और मलाई भुना जाए तो इसमें हम डालेंगे उबले हुए राजमा। यहाँ राजमा को पानी सहित यानी कि राजमा को उबालते समय जो पानी दिया था उसे भी डाल देंगे। राजमा को सभी मसाले के साथ 5 मिनट तक पका लेना है। जब इसमें उबाल आने लगे तो इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे ताकि राजमा और सभी मसाले का स्वाद एक दूसरे में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट हो जाने के बाद हमारी स्वादिष्ट राजमा लगभग रेडी हो चुकी है, लेकिन गैस को बंद करने से पहले इसमें हम डालेंगे कुछ कटे हुए धनिया पत्ती। तो फाइनली रेडी हो चुकी है स्वादिष्ट और लाजवाब कश्मीरी राजमा, जिसे सर्व करेंगे लच्छे पराठे या जीरा राइस के साथ। यकीन मानिए इसका स्वाद हर किसी के साथ मजा ही देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फूडिफाई दी ऑफिशियल के अगले वीडियो में एक ऐसे ही शानदार रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को ही सपोर्ट करें। थैंक यू।